Stands for the greenery, the beauty, and everything that's green and beautiful. Can we please have the logo? The Rocky Karchat, it is. The entire core team, jo pehle aayi thi, please ek baar phir se thode aur kadam badha lijiye stage ki or. Your steps will be counted. That is, ladies and gentlemen, the Meraki Karjat family, the pillars of this dream project. Ramsan, Sunil sir, I request you to please. Anna, good to see you. Anna, you. हाय 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 गुड टू सी यू. बहुत मुश्किल से आप किसी ब्रांड का हिस्सा बनते हैं या किसी भी ब्रांड से अपने आप को एसोसिएट करते हैं. टेल मी द रीजन यू नो केम ऑन बोर्ड. व्हाट आर द थिंग्स अबाउट दिस कंपनी और द प्रोजेक्ट यू लाइक अबाउट इट. आई थिंक दो साल के पैंडेमिक के बाद, दो साल शायद खंडाला में रहने के बाद रियलाइज किया कि सेकेंड होम्स का मान्य क्या है, कि कैसे एक फैमिली को जोड़ के रखता है. आई थिंक द वर्स्ट पीरियड में मैं अपनी बेस्ट लाइफ जिया हूँ. दो साल फैमिली के साथ, नेचर के बीच, एक दूसरे की तकलीफें समझते हुए दिन रात एक साथ गुजारते हुए, और ये डेफिनेटली जानना कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. और आई थिंक इसीलिए जब राम भाई और ये लोग पंकज जो मेराकी की टीम मेरे पास आई और कहा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है तो मैं जुड़ना चाहूँगा. मेरी अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी है एस टू रियालिटी जो सेकेंड होम्स बनाती है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर जुड़े तो ऐसी जगह में जुड़े जहाँ सोच एक ही है, यू नो. क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का बनना ये नहीं है कि मैंने अपने आप का मेरा फोटो दे दिया और मेरा काम हो गया. आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ होल लॉट ऑफ थिंग्स वॉट द पीपल बिहाइंड द प्रोजेक्ट आर. तब मुझे लगा कि जुड़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, और बिना उन पेड़ों को हाथ लगाए अगर एक आर्किटेक्चुरल टीम में लेकर आ सकूं, जो जिनकी सोच वैसी है, तब जाके राजेश और नीता आए, बिंदु जिसकी कंपनी यू नो वुडन होम्स और सेकंड होम्स बनाती है पहाड़ों में, और दूसरी सारा अवार्ड एक बहुत ही अच्छी कंपनी. तो उनका जुड़ना कहीं ना कहीं उन घरों को खूबसूरती देने में, मार्केटिंग में, अर्बन फाइव बाकी की टीम. तो आई थिंक यू नो ओवर ऑल इन ऑल एक ऐसी कंपनी और ऐसे लोग जिनकी सोच मेरे सोच से मिलती थी. आई एम अ लवर ऑफ नेचर एंड इट्स इन दिस वे. मेराकी के मायने क्या है, मतलब यू कैन डिफाइन व्हाट मेराकी स्टैंड फॉर. डिवाइन, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. हम घर की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं. अगर मैं घर की डेफिनेशन पूछूं कि भाई घर तो लोगों से ही माँ, पिताजी, भाई, बहन, फैमिली, जॉइंट फैमिली जो हिंदुस्तान की खूबी थी, वो मेरे लिए घर होता. घर सारे कॉम्प्लेक्स के घर होते ही एक ही घर होता, लेकिन अगर हम नेचर के बीच में रहे और अपनों लोगों के साथ रहे, और यहाँ भी आप देखोगे तो बेसिक माइंडसेट ही ऐसा है कि प्रॉब्ली एक एंटरटेनमेंट एरिया एक ही है. बाहर जहाँ भी देखोगे आप ग्रीन ही ग्रीन है, तो एक माइंडसेट भी चेंज हो जाता है. तो विच मीन्स इट कैन ऑल्सो हेल्प मी कम बैक टू वर्क विद अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड. जब मैं सैटरडे संडे निकल जाता हूँ फार्म में, मैं करता कुछ नहीं हूँ, लेकिन अपने फार्म में बैठकर गार्डनिंग करूँगा या बटरफ्लाई फार्म के बारे में सोचूंगा, बर्ड्स को कैसे ले आने, उनकी फीड क्या होनी चाहिए, पेड़ पौधे कौन से लगने चाहिए, हमारे इलाके के जो महाराष्ट्र के पेड़ वो कौन से पेड़ हैं जो बर्ड्स को इन्वाइट करते हैं नेस्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है. आप मुझसे पूछोगे तो मैं एनसाइक्लोपीडिया हूँ उसमें, यू नो. और ये मैंने सीखा नहीं, मैंने पढ़ के देखा और एग्जीक्यूट करके देखा हुआ है.
उनमें तो टारगेटेड ऑडियंस है ना, और जब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ यहाँ वैसे ही बहुत वर्क प्रेशर होता है हर लिहाज से, 8-8 घंटे शूट होते हैं, आउटडोर शूट होते हैं, और फिर एक वक्त आता है जब आप सोचते हैं कि यार कुछ सुकून के पल कहीं यू नो अच्छी जगह गुजारे जाएँ। तो बॉलीवुड से किसे आप इन्वाइट करना चाहेंगे कि आए और इसका हिस्सा बने, और यू नो और समबडी हु कुड बाय दिस? आई थिंक दैट पंकज द मार्केटिंग जीनियस वुड बी एबल टू से बेस्ट की मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि फैमिलीज को टारगेट करनी चाहिए आप लोगों को। मैं कोई ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, लेकिन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट मैं चाहूँगा कि जो मेरी इंटरेस्ट है वो उसमें दिखाई दे, एंड दैट इज़ वाई द चॉइस ऑफ पीपल। बट आई थिंक एनीबडी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, और जैसे कहते हैं मी टाइम, खुद के लिए वक्त निकालना, अपने आप में एक रियलाइजेशन होना कि यार जो मैं कर रहा हूँ किसी और पे कैसा इम्पैक्ट होगा, वो सोच वो जिसकी सोच है वैसे लोग यहाँ बसे तो बहुत ही अच्छा होगा। हेलो सुनील सर, नेहा देसाई फ्रॉम आज तक। सर आपने एक्टिंग के साथ बिजनेस का एक बैकअप प्लान करके बहुत लोगों को एक मतलब एक रास्ता दिखाया है, तो एक एक्टर के लिए बैकअप प्लान का होना कितना मतलब जरूरी है? मैं एक बिजनेसमैन पहले था फिर एक्टर बना। मैं 15 साल की उम्र से अपने पिताजी के साथ उनके रेस्टोरेंट में काम करता रहा, और उस रेस्टोरेंट की मेहनत के वजह से मुझे एक्टिंग में मौका नहीं कहूँगा लेकिन एस्टैब्लिश होने का मौका मिला, क्योंकि मेरे लिए अतिथि देवो भव था, मेरे लिए काम करना नॉर्मल था, तो देर वॉज नथिंग स्पेशल। आज भी मैं एक एक्टर होते हुए भी एक आम इंसान हूँ, क्योंकि नथिंग बॉदर्स मी, यू नो सक्सेस के लिए फ्राइडे टू फ्राइडे आता रहता, लेकिन मैं काम के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं उतना ही एक्साइटेड 30 साल पहले भी था और आज भी हूँ। आई थिंक बीइंग अ बिजनेसमैन एंड एन एक्टर, और आई वुड से लेबरर एंड एन एक्टर, हैज हेल्प मी सर्वाइव। और आज ऑफकोर्स सभी लोग देखते हैं कि फ्राइडे टू फ्राइडे का दौर है, लेकिन एक खराब फ्राइडे का मतलब ये नहीं कि मैं सर नीचे रख के चलूँगा, मैं सर उठा के ही चल रहा हूँ हमेशा। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम।